Hey friends, I'm come back with a new exciting feature of Samsung Galaxy J7 series जो कि आपको सिर्फ ओनली Samsung Galaxy J7 Pro में ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें ऑन स्क्रीन बटन कैसे लाते हैं वो बताता हूँ। आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, देन गो टू डेक्सटरिटी एंड इंटरेक्शन, देन आपको सिंपली क्लिक करना है एक्सेस मेन्यू पे। आप देख सकते हैं आपको डिस्प्ले ऑन की बटन मिल गई हैं, आपको इसका यूज़ है तो आप ऑन रख सकते हैं, नहीं तो बैक जाते हैं हम। बैक जाने के बाद आपको इसका वन हैंड मोड बताता हूँ मैं आपको। सिंपली आपको वन हैंड मोड पे क्लिक करना है। आपको उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको एक मिलता है जेस्चर का, एक बटन का, और नीचे जो है शो कीज़ ऑन स्क्रीन। मैं आपको बताता हूँ वो है क्या। पहले तो आप मेरे हिसाब से, आप मेरी एडवाइस है कि आप बटन का ही यूज़ करें, बटन वाले ऑप्शन का ही, क्योंकि यही बेटर है। आपको जेस्चर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सिंपली 3 टाइम्स आपको ओके करना है, आपकी होम बटन को प्रेस करना है, आपकी होम बटन को 3 बार। तो 1 2 3 आप देख सकते हैं मैंने 3 बार इस की को प्रेस किया है, देन मेरा जो विंडो है वो वन हैंड के लायक बन चुका है। तो आप चाहें तो इससे वन हैंड भी ऑपरेट कर सकते हैं, देन आप इसको साइड भी कर सकते हैं, आपके आपके मुताबिक जैसा भी आपको कंफर्ट हो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ नीचे दिख रही होंगी ये है बटन, हमारी जो है हमारी ये बटन है डिस्प्ले ऑन की। आपको इसको ऑफ़ करना है तो आप वापस ऑफ़ कर सकते हैं। सेटिंग में जाइए, एडवांस फीचर में जाइए आप सिंपली, देन वन हैंड मोड पे वापस जाइए। आप चाहें तो यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। तो आपको अगर ये फुल स्क्रीन चाहिए वापस, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो पहले हम इसको बंद कर दें, देन हम जाते हैं नेक्स्ट फीचर पे जो कि है क्विक कैमरा लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, आप कहीं पर भी हो, मान लीजिए मैं था प्ले स्टोर पे और मुझे सडनली यूज़ पड़ा कैमरा का, तो मैं डबल क्लिक करूँगा मेरे होम बटन को और डायरेक्टली मेरा ओपन हो जाएगा कैमरा। तो देखते हैं 1 2, ये देख लीजिए आपका कैमरा डायरेक्ट ओपन हो गया है। तो आप इस फीचर का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं, कई बार हमें अर्जेंट में कैमरे की यूज़ पड़ जाता है, तो आप इस फीचर का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं हम मल्टी विंडो पे। आप इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये स्प्लिट स्क्रीन और पॉपअप क्या है। आपको स्प्लिट स्क्रीन में आपकी फिंगर का यूज़ करते हुए जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आपको उस टाइप से कुछ करना है, तो आपको आपका कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। तो ये हो गया है, ये हो गया स्प्लिट स्क्रीन। अब इसको आप पॉपअप करना है, आपको पॉपअप करना है, इस पर क्लिक कीजिए, देन आपका ये पॉपअप हो जाएगा। आप चाहें तो कितने भी आप इस पर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लम होती है कई बार जेस्चर में, तो आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ ओपन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये, देन आप इसको वापस पॉपअप कर सकते हैं। ये पॉपअप कर दिया, मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ प्ले स्टोर को क्योंकि अभी हम इसका यूज़ नहीं है। वापस जाते हैं हम डेस्कटॉप पे, मतलब हमारी सेटिंग में आप इसको पूरा फुल स्क्रीन पे कर दीजिए, देन आप इन दोनों ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए, बैक जाइए, देन आप बैक जाने के बाद आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ डबल मैसेंजर का। आप चाहें तो जैसे मेरे पास डबल फॉर फेसबुक का मैं यूज़ अभी कर नहीं रहा हूँ, बट मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, मैं आपको व्हाट्सअप का इंस्टॉल कर देता हूँ डबल। मैं आपको देख सकते हैं आप इसमें ऑलरेडी लिखा रहा आई कैन एडिट ऑन होम स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर फेसबुक है। और मैं आपको चेंज करता हूँ, ये रहा मेरा प्राइमरी व्हाट्सएप एंड ये रहा मेरे सेकेंडरी फेसबुक एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस फीचर को भी हम अब देख चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट फीचर पे आते हैं लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में जाइए। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए नाइट में, क्योंकि इसमें टाइमर भी है, यानी आप नाइट भी सेट कर सकते हैं, आपको जो भी टाइम चाहिए आप उसको सेट कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, देन आपको क्लॉक स्टाइल आ जाएगा, आप चेंज कर सकते हैं। कलर, आपको कलर चेंज करना है इनका तो भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो नॉर्मली रहने दीजिए। और बैकग्राउंड, आप चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये फीचर आपके लिए तब काम आता है जब आप बिना फ़ोन को टच किए अपना टाइम या म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका म्यूज़िक प्ले हो रहा हो तो आप इस टाइम पे ये चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कैलेंडर ला सकते हैं, उसमें एनालॉग क्लॉक भी लगा सकते हैं या वर्ल्ड क्लॉक भी। तो इस फीचर को ऑन और सॉरी देन आपको बताता हूँ आपको इसको ऑफ़ करना है। ये मेरी स्क्रीन लॉक हो चुकी है, देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ये होता है हमारा ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। आप चाहें तो उसको टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। देन हम इसको बैक जाते हैं, आपको इसका नेक्स्ट फीचर बताता हूँ मैं, वो है हमारा
अदर सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स में वहाँ जाइए, देन आपको वहाँ पर मिलेगा पिन बिंड। ऑलरेडी मैं इसको ऑन कर रखा हूँ, आप चाहें तो इसको डिफ़ॉल्टली ऑफ होता है, बट आप चाहें तो ऑन कर लीजिए। सिंपली आपको उस पर क्लिक ही करना है, देन आपको मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। मान लीजिए आप चला रहे हैं यूट्यूब और आप नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भी बटन को दबाऊं और मेरा यूट्यूब मिनिमाइज़ हो जाए या बैकग्राउंड में चले जाए या हट जाए, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको रिसेंट की क्लिक करना है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टैब हैं मेरे पास, बट मुझे यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा होगा यूट्यूब पे, वैसे तो सब पे आइकन ये आ जाता है, आप चाहें तो देख सकते हैं, देख लीजिए। देन यहाँ इस पर भी टैब का पिन टैब का ऑप्शन आ गया है, देन मेरे को करना है यूट्यूब को पिन। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और उस पर स्टार्ट क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हो इसमें नोटिफिकेशन आ चुका है स्क्रीन पिन, यानी अब मैं इसको बैक करता हूँ, यानी आप देख सकते हैं मैंने बैक किया तो आपको ये बैक नहीं होने देगा। मैं चाहे तो होम बटन दबाऊँ तो भी नहीं होने देगा, और चाहे तो रिसेंट की भी दबाऊँ तो भी नहीं होने देगा। तो आप इसको हटाने के लिए सिंपली आपकी रिसेंट की और बैक की को सिंपली 1 या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड तक कंटिन्यू दबाए रखें तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। देन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा स्क्रीन अनपिन, यानी आप उसको आपको वापस से अनलॉक कीजिए, आप सिंपली इसको बैक कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो भी आता है हमारी सेटिंग में जाके एडवांस फीचर में। देन आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं गेम्स का फुल ऑप्शन है, आप उसमें दोनों ऑन कर दीजिए, गेम लॉन्चर और गेम टूल, आपको ये दोनों ऑप्शन ऑन करना है। देन मिनिमाइज़ कीजिए अपने सेटिंग को, देन आपको वहाँ पर मिल जाएगा अपनी होम स्क्रीन पे गेम लॉन्चर, आप सिंपली क्लिक कीजिए इस पे गेम लॉन्चर पे, आपको वहाँ पर इनेबल का ऑप्शन आएगा। आपके पास जितने भी गेम हैं आपके मोबाइल में इंस्टॉल वो आपको यहाँ ऑलरेडी आ जाएंगे, और नहीं आते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि ऐड ऐप का ऑप्शन है, तो मैं इसको सिंपली ऑन करता हूँ हमारे सबवे सर्फर को। तो आपको यहाँ पर एक कॉर्नर साइड में मिडिल में एक कॉर्नर में आपको एक आइकन दिख रहा होगा, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं आपको उसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, नो अलर्ट ड्यूरिंग गेम्स, यानी आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन आती है, कई बार आप गेम खेलते हैं और नोटिफिकेशन आ जाती है तो आपकी कुछ चीज़ मिस हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी गेमिंग के दौरान। और लॉक रिसेंट की एंड बैक की, कई बार हम गेम खेलते हैं और हमसे बैक की या रिसेंट की दब जाती है और हमारा गेम मिनिमाइज़ हो जाता है या हट जाता है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, देन आपकी ये दोनों कीज़ लॉक हो जाएंगी। देन आप स्क्रीन टच लॉक, यानी आप स्क्रीन टच लॉक कर सकते हैं, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है तो आपकी स्क्रीन हो चुकी है लॉक। अब मैं इस पर कहीं भी क्लिक करूँगा बट ये ऑन नहीं होगी, तो सिंपली स्वाइप करना है मुझे इसको, आप देख सकते हैं स्वाइप करने से ये वापस अनलॉक हो गई है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का, आप सिंपल स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देन आप वापस क्लिक कीजिए रिकॉर्ड का ऑप्शन, आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड कर सकते हैं आप अपने इस गेम को, यानी आप गेमिंग खोलने के शौकीन हैं और उसमें आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको उसमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइम पर अगर ऑन करता हूं इस स्क्रीन रिकॉर्ड को तो मेरे ये मना कर देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप जो कि थर्ड पार्टी ऐप है मैं उसका यूज़ कर रहा हूं। देख लीजिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहां पर कि मैं दूसरे ऐप का यूज़ कर रहा हूं, इसलिए वो अभी नहीं होगी। तो आप सेटिंग, वैसे सेटिंग का तो मैं आपको काफ़ी कुछ बचा चुका हूं, जैसे लॉक रिसेंट की एंड बैक की तो आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि इसके साथ क्या क्या ऑप, या तो फ्रंट कैमरे से आप शूट कर सकते हैं या नॉन कर सकते हैं, ऑडियो सोर्स फ़ोन की ऑडियो चाहिए या आपको सिर्फ माइक्रोफोन चाहिए, आप ऑडियो क्वालिटी भी कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कर सकते हैं सेट, आप देख सकते हैं ये भी ऑप्शन है आपका तो बेटर है, तो आप देख सकते हैं आपके हिसाब से कैसे चेंज करना है। तो फ्रेंड्स ये हटा देता हूँ मैं सब टैब को, अब आपको इसका नेक्स्ट फीचर बताता हूँ जो है हमारा वीडियो से रिलेटेड, यानी आप सडनली कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए ये क्लिक कीजिए, मैंने माई फाइल्स पे क्लिक किया, देन मुझे ये वीडियो देख रहा था मैं, ये आपका सिर्फ उसी प्लेयर में काम करेगा जो कि सैमसंग के थ्रू ही मिला है, यानी आप ये आप वीडियो देख रहे हैं बट आपको उसी के साथ कुछ और काम भी करना है, तो आप इस पर सिंपली यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर उसको क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं मिनिमाइज हो चुका है एक फोल्डर के ऊपर। तो आप इसको, आपको एक और मेन बात बता दूं इसमें कि आप इस अगर आप एक वीडियो प्ले कर रहे हैं अपने डिस्प्ले पे, चाहे वो यूट्यूब का हो चाहे आपके इंटरनली हो चाहे आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का भी यूज़ करें,
तो अभी तक आप सिर्फ एक वीडियो को ही प्ले कर सकते हैं, यानी अगर आप बहुत सारे टैब खोल के सोचें कि कैमरा भी उसी के साथ चलेगा तो वो नहीं होगा, यानी तो आप सिर्फ एक वीडियो को ही एक बार में चला सकते हैं, यानी आप कई सारे वीडियो टैब खोल लीजिए और उनको एक साथ चलाएं, वो नहीं हो पाएगा, आपकी सिर्फ एक वीडियो चलेगी जिस पर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे सैमसंग गैलेक्सी J7 के कुछ ऐसे फीचर जो हो सकता है आपने नोटिस ना किए हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सौरभ फ्रॉम टेक मी टेक्निकली।